अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। देसी टीवी यूएसए जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना सिर्फ ये बल्कि इस चैनल पे आपको एक जबरदस्त क्रिकेट शो भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी, एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी वीडियो। सो उसके लिए जरूरी क्या है भाई, जरूरी ये है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकॉन भी होता है, उसको अगर आप प्रेस कर लेंगे तो उसके लिए आप ही जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो ऐसे कि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका आपको पहले ही पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। बिकॉज ये जो शो है, इस शो में आई एम नोन टू समराइज द क्रिकेट दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के टाइम में, आज के बिजी स्केड्यूल्स में, ना आपके पास इतना टाइम है, ना किसी और के पास इतना टाइम है कि वो एक हर क्रिकेट लीग देखे कि दुनिया में कौन कौन सी क्रिकेट हो रही है। तो ऐसे में आपको एक ऐसा खुलासा चाहिए होता है, एक ऐसा शो चाहिए होता है जो आपके लिए इस पूरी गेम को जो कि दुनिया में हो रही है इसको आपके लिए समराइज कर दे। तो ये शो वही काम करता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो इतनी फ्री हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो सारी क्रिकेट जो है वो पूरा पूरा दिन बैठ के देखूं। तो अगर मैं आप लोगों के लिए पूरा पूरा दिन बैठ के क्रिकेट देख सकती हूं, तो आप लोग मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ, अपने आज के शो के साथ, अपने आज के प्रोग्राम के साथ। भाई आज की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज कोई PSL का मैच नहीं हुआ, ठीक है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डबल हेडर था, जिसमें पहला मैच जो था वो था पेशावर जर्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स का, और जो दूसरा मैच था वो था क्वेरा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अब अगर दोनों मैचेस के बारे में बात की जाए तो लाहौर वर्सेस जो पेशावर था वो पहले कैंसिल हुआ। उसकी वजह यह है कि बारिश हुई, पिंडी में बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से हुई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फैंस आए हुए थे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आए हमें फैंस, मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिंडी इज़ दैट वन पर्टिकुलर सिटी इन पाकिस्तान, चाहे जहाँ पे जो भी मैच हो, जितनी भी एक्सपेंसिव टिकट्स हों, वहाँ पे लोग लाजमी मैच देखने आते हैं। दिस इज़ उसको ये समझते हैं कि भाई उनके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो उनको कंप्लीट करता है, एक जॉब की तरह। जैसे जॉब पे जाना है, वैसे पिंडी में जो है वो लोग मैच देखने आते हैं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, बारिश ने वो मैच अबेंडेंट कर दिया विदाउट अ बॉल बींग बोल्ड, और कोई बॉल नहीं हुई। कोई इवन जो है आपको नज़र आया होगा कि सारे प्रेजेंटर्स भी तैयार थे, सारे कमेंटेटर्स भी तैयार थे, पूरी मैनेजमेंट रेडी थी, यानी कि हर चीज़ वैसे ही नॉर्मल अपने काम पे आई हुई थी जैसे आती है। क्रिकेटर्स भी थे, प्लेयर्स भी थे, कैप्टन्स भी आपको ऑन फील्ड नज़र आए। लेकिन वही है कि जब कुदरत को ही मंजूर नहीं है कि मैच हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बाबर आजम भी नज़र आए होंगे, आपको शाहीन आफरीदी भी नज़र आएंगे, पिच को देख रहे थे, लेकिन वही गिली ऑन फील्ड थी, तो गिली ऑन फील्ड पे कोई मैच करवाना तो फिर इम्पॉसिबल थी बात है, और फिर वही हुआ। तो ये मैच जो है वो वॉश आउट हो गया, और वॉश आउट तो हुआ लेकिन लाहौर कलंदर्स को PSL 9 की दौड़ से बाहर करके, PSL 9 की दौड़ से लाहौर कलंदर्स ऑफिशियली तो अभी आउट नहीं हुआ, क्योंकि अभी 5% चांस, 5% क्या ही मैं चांस का, उनका जो है वो 1% चांस है अभी भी, लेकिन मेक इट टू द प्ले ऑफ साइकिल। बट द थिंग इज कि वही 1% चांस उनके लिए होगा जो बड़े लाहौर कलंदर्स के डाई हार्ड फैंस हैं। मेरे लिए तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो 1% चांस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे है। अगर तो मुल्तान सुल्तान्स अपने रेस्ट ऑफ सारे मैचेस जीत जाता है, जो कि जीतेगा, अगर सारे मैचेस नहीं भी जीते तो क्वालिफाई तो पक्का पक्का। लाहौर, मुल्तान और क्वेटा, दीज आर दोज टू पर्टिकुलर टीम्स जो अगर इवन एक भी मैच जीत जाती हैं, सो दे कैन मेक इट टू द प्लेऑफ्स वेरी वेरी इजीली, क्वालिफाई कर चुके आप ये समझ लें। बाकी रही बात तीसरी टीम की, तो पेशावर जर्मी अपने तीनों, अगर जितने भी उनके रिमेनिंग मैचेस हैं, अगर तो पेशावर जर्मी वो सारे मैचेस जीत जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिर ज़रूरी ये होगा कि मतलब दे कैन मेक इट टू द प्लेऑफ्स वेरी इजीली, लाइक क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर तो पेशावर जर्मी अपना एक भी मैच हार जाता है, ठीक है, तो फिर उनके लिए वो रन रेट वाला मसला आ जाएगा। लेकिन अपने सारे मैचेस जीतता है जो कि उनको जीतना चाहिए, अगर उनको ये रन रेट और वो टीम जीत गई तो वो हार जाए, वो टीम हार जाए तो ये टीम जीत जाए, अगर इस डिबेट में नहीं पड़ना तो उनको अपने सारे रिमेनिंग मैचेस जीतने पड़ेंगे, और उसके लिए पेशावर जर्मी का जीतना बहुत ज़रूरी है अगर लाहौर कलंदर्स को अपना नाम बनाना है प्लेऑफ्स में।
ठीक है, अब आप लोगों को ये थोड़ी सी डिबेट थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट इन शॉर्ट अगर इजी करके आप लोगों को समझाया जाए तो इसमें यही है कि अगर तो देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने सारे मैचेस हार जाती है, कराची किंग्स जो है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये वो दो टीम्स हैं कि अगर इनके 6 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बढ़ते, मतलब इनको 6 पॉइंट्स पे ऐसे ब्रेक लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए और 6 पॉइंट्स से आगे नहीं बढ़ती, तो फिर लाहौर कलंदर्स जो है उनके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए लाहौर कलंदर्स को अपने सारे मैचेस जो है वो आगे जाके जीतने पड़ेंगे, जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क नज़र आता है। क्योंकि अगर आप उनकी टीम को ज़रा थोड़ा सा देखें, उसको इन्हांस करें, उसको एनालाइज करें, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि किसी को कैप्टन को जो है वो ठीक तरीके से यूज़ करना नहीं आ रहा, और जिन प्लेयर्स की फॉर्म भी लगी हुई थी उनकी फॉर्म भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आप देख लें कि शाहीन शाफरीदी जो है वो अपने उस हार वाले एटीट्यूड को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैं देख रही थी उन्होंने अपनी एक जो है स्पीच में, जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है उसमें, जैनब ने उनसे सवाल किया कि कैसा उनको लग रहा है कि ही हैज़ बिन नॉक्ड आउट ऑफ ही, मतलब ही एक्चुअली बिकम्स द फर्स्ट टीम जो कि PSL 9 की रेस से बाहर हुई है। सो उस पर उनका आंसर ये था कि उनकी जो है वो दो दफ़ा वो ऑलरेडी जो है वो हार चुके हैं, मतलब मतलब दो दफ़ा उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम को एक कंजेकटिव चैम्पियन बनाया है, तो फिर कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। इफ़ आई रियली टेल यू माई ओपिनियन, ये आप लोग इससे डिसअग्री कर सकते हैं, बट इफ़ आई टेल यू माई ओपिनियन एंड आई वुड से कि ये वो माइंडसेट है जहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, वन यू डोंट लुक एट योर मिस्टेक्स, जब आप अपनी इस मिस्टेक्स को एक्नॉलेज नहीं करते हो और आप यही कहते हो भाई मैं तो दो दफ़ा चैम्पियन बन चुका हूँ, मुझे क्या अगर एक दफ़ा हो भी जाए। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड कभी कभी अच्छा लगता है, बट यू नीड टू सी कि अब आप हमारी नेशनल टीम के कप्तान हो, आप T20 साइड के कप्तान हैं, हमें जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा उसमें हमारी नेशनल टीम को वही लीड करेंगे। फिर इस तरह का माइंडसेट रखना कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, ये एक कैप्टन एक लीडर की निशानी नहीं होती, ये तो बहुत गलत बात है। एंड इफ़ यू रियली टॉक अबाउट शाहीन शाफरीदी का एटीट्यूड, तो वो थोड़ा सा कैप्टनसी में ख़राब रहा है। ही डिडंट यूटिलाइज सिकंदर रजा प्रॉपरली, He didn't utilize Carlos Brathwaite properly, अपनी टीम में अपनी प्लेइंग एक्साइटमेंट को खिलाते थे लेकिन इनको इनकी यूजेज भी तो कैप्टन का काम है, इनकी यूटिलाइजेशन वगैरह ऑन फील्ड यूटिलाइजेशन वो शाहीन शाह आफरीदी की जिम्मे ही है। तो अगर शाहीन शाह आफरीदी उस चीज़ को ठीक से यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपको जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज मिलेंगी या कोई भी आप मैच हार सकोगे। ठीक है, अभी तक 6 मैचेस खेले और 6 में कंजेक्टिव इनको डिफीट मिल गया, जिनका 7वां मैच था, लेकिन 7वें मैच में भी लगा ऐसे क्या मैच ही अवर्णन हो गया, तो 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स के पास गया। लेकिन अगर हो भी जाता तो मुझे यही लग रहा है कि पेशावर जो है ये मैच जीत जाता, क्योंकि पेशावर की अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, बाबर की कैप्टनसी भी अच्छी जा रही है, मतलब इतनी कम रिसोर्सेज के साथ भी अगर वो इस टीम को जितवा रहे हैं तो इसका मतलब कैप्टनसी में दम है। अब ये डिबेट बहुत फजूल सी लगती है कि भाई बाबर आजम को नहीं हटाना चाहिए था, कैप्टनसी से शाहीन को दे दिया, अब एक बंदे को कैप्टनसी दे दिए तो उसका मोराल डाउन मत करो, उसका मोराल डाउन करने के बजाय उसको बूस्ट अप दो कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, ये तुम्हें असाइनमेंट मिली है, यू कैन डू इट वेरी क्लियरली। ठीक है, अभी हमारी सीरीज रहती है लेकिन न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है हमारी होम वाली उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, क्योंकि उस वो तो हम बड़े आराम से जीत जाएंगे क्योंकि उसमें न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स तो होंगे ही ना उसमें केन विलियमसन, ना उसमें टिम साउदी, ना उसमें ट्रेंट बोल्ट, ना उसमें कोई और, ना ग्लेन फिलिप्स, डेरिन मिचेल, उनकी सी टीम आएगी हमारे साथ खेलने, वो भी घर पे अपनी कंडीशंस में हम खेल रहे होंगे, सो वी वोंट बी एबल टू रियलाइज आवर मिस्टेक्स, या जिसे कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट हमें अपने नहीं होगी अपनी गलतियों की उस तरह से। तो वो सीरीज तो थोड़ी सी मुझे फजूल ही लग रही है, लेकिन इफ़ यू रियली टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी एक्चुअली हैपनिंग इन फ्यूचर इज के मोराल डाउन करने वाली बात होगी। अब अगर देखें तो डिबेट में हमारा वनडे का अभी तक कोई कप्तान नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान के बारे में तो मोहम्मद रिजवान जो है आई फील लाइक के PSL की जब डिबेट एंड होगी तो वहाँ पे प्रॉबेबली यही बात की जाएगी कि रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए था, रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए था, रिजवान ने देखो मतलब इतनी उन्होंने, अगर वो रेड बॉल के बॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं T20 के बॉलर्स में, सोचे किस तरह के कैप्टन है, और उनको MS धोनी भी कहा जाता है पाकिस्तान का वर्जन, विकेट के पीछे से गेम बदलने वाला, तो इतने तो उनके अंदर गट्स हैं कि वो एक ज़बरदस्त कप्तान हैं। अगर आप देखें जब उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया था, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ना सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि अगले 2 सालों में रनर अप भी थे कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब ये है कि वाकई उनकी कैप्टनसी में दम है कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को इतना एक सक्सेसिव टाइम पीरियड भी दिखाया।
ना सिर्फ ये बल्कि अगर अभी के सीजन के बारे में वो बात करें तो इतनी उन्होंने जबरदस्त कप्तानी की, यानी कि आप अगर बॉलर्स देखें उनके पास उसामा मीर है, उनके पास यू नो डेविड विली है, उनके पास यू नो मोहम्मद अली है, ही इज एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ठीक है, रेड बॉल बॉलर है, लेकिन जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है T20 में फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल सो फार। दहानी को इतने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, फिर एहसानुल्लाह को जिस तरह से उन्होंने एक, ठीक है उसमें एहसानुल्लाह की अपनी भी यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर एहसानुल्लाह एज वेल, बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, और वो ये है कि रिजवान को रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना आता है, ठीक है, कम रिसोर्सेज में एक जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करना, एक जबरदस्त आउटपुट प्रोड्यूस करना, वो मोहम्मद रिजवान को जो है ना बहुत अच्छे से आता है, एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट एट इट सो फार। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मोहम्मद रिजवान को ये करनी चाहिए, बट ये कहना कि आप कैप्टन बदल दो ये बहुत गलत है। और अगर आपको एक दूसरी बात बताऊं तो इंजमामुल हक जो है, इंजमामुल हक से बड़ा जो है सवाल किया गया कि देखें आप शाहीन शाफरीदी अच्छे कैप्टन नहीं है, उनके पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और किसी तरह से जो है वो यू नो लाहौर कलंदर्स को जिस तरह से उन्होंने जल्दी आउट करवा दिया है, तो आपका क्या इस पर रद्द अमल है, आप क्या सोचते हैं, शाहीन शाफरीदी क्या पाकिस्तान को वाकई में एक बुरा स्टार्ट देंगे, यू नो तो उस पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, उस पर बड़ा अपना ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो रद्द अमल ज़ाहिर किया, और वो रद्द अमल ये था कि उन्होंने ये कहा कि शाहीन शाफरीदी वही इंसान है जिसने लाहौर कलंदर्स को पिछले 2 सालों में कंसेक्यूटिव टाइटल्स जितवाए, मतलब हर जगह पे लाहौर कलंदर्स शाहीन शाफरीदी हो रहा था। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक महीने ने काया ही पलट दी, न्यूजीलैंड के जो हमारे साथ सीरीज हुई थी जो अभी 5 मैच की T20 सीरीज थी उसमें भी हम 4-1 से हारे थे, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट टाइम तो दो, सीख रहा है वो इंसान भी, उसको बंदे को टाइम मिला है, एकदम से कोई चीज़ गंदी या ख़राब नहीं हो जाती। तो ये कहना कि भाई नहीं शाहीन शाफरीदी को तो कैप्टनसी ही नहीं आती या उसको तो ऐम ही रख दिया, उसको तो फजूल में रख दिया, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर ये उन्होंने जो फैक्टर्स थे इसके बारे में जो है वो उन्होंने बात की, और साथ ही साथ ये उनका मुझे जवाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। मैंने आप लोगों को कहा था कमेंट्स ज़रूर किया करें क्योंकि कमेंट्स इज़ दैट वन पर्टिकुलर गेटवे जो आपको और मुझे कनेक्ट करता है। तो ये बहुत कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए बिटवीन ऑडियंस एंड द वन हु मेक्स वीडियोस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड मेक श्योर कि आप हर वीडियो पे कमेंट किया करें क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खैर डबल हेडर का जो पहला मैच था वो तो वॉश आउट हो गया, लेकिन जो दूसरा मैच था बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी वॉश आउट हो गया विद 1 पॉइंट गिवन टू ईच टीम। तो इस तरह से लग ऐसा रहा कि बारिश में ही आधा PSL निकल जाएगा। आपको क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि कल के मैच में कोई बारिश ना हो क्योंकि बारिश की वजह से यार सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, फिर उस तरह का मज़ा नहीं आता जिस तरह का आना चाहिए। आज के दिन के अख्ताम के साथ ये जो वीडियो है ये एंड होती है, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या मज़ीद नया देखना है ऐसे शोज़ में। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैबा बसी साइनिंग ऑफ।